अच्छा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? ये असल में मीटिंग 40 मिनट्स की होती है, तो ये एंड हो जाती है, आप इसको दोबारा रीज्वाइन कर लिया करें। हाँ, वैसे तो ये आज एक ही आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, आगे से तो फिर ऑन कैंपस ही हो रही होगी। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट टोपोलॉजी। अगर आप स्टार टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सबने देख लिया किस तरह क्रिएट होती है। सेंट्रलाइज्ड एक हब होता है, सारी की सारी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होती हैं। कोई भी डेटा पैकेट अगर आपने किसी भी डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सेंड करना है, तो आप यूजिंग हब करेंगे। आप पहले अपने हब को, आपका पैकेट जाएगा और वो आगे फॉरवर्ड होगा रिस्पेक्टिव आईपी के ऊपर या रिस्पेक्टिव मैक एड्रेस के ऊपर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है स्टार टोपोलॉजी के? लेस एक्सपेंसिव, बिकॉज ईच डिवाइस ओनली नीड वन आईओ पोर्ट। यानी जितने पोर्ट्स आपके डिवाइस में बढ़ जाते हैं, उतनी आपकी डिवाइस की कॉस्ट बढ़ जाती है ना। आपकी डिवाइस जब खरीदने जाते हैं, अगर यूएसबी पोर्ट की भी बात करें, तो आप जो है वो पूछते हैं कि भाई इसमें कितने पोर्ट्स हैं, या आप डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं, उनकी पोर्ट्स बढ़ने से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है आपका नेटवर्क। अगर आप क्या कर रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी से अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक डिवाइस को सिर्फ एक ही लिंक कनेक्ट करना है, तो वो एक ही पोर्ट से उसका काम हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है वो उसको एक ही चाहिए होगी। इजियर टू इंस्टॉल, जाहिर है जब आपकी वायर कम है तो इंस्टॉलेशन भी इजी हो जाएगी। एक हर एक डिवाइस को सिर्फ आपने हब से कनेक्टेड करना है। अब जाहिर है ये स्टार के तरीके से बन रहा है, आप चाहें तो तमाम को एक साथ एक एक बस वायर से सीरियली जो है वो हब से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इजियर टू इंस्टॉल है। लेस अमाउंट ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड, बिकॉज ईच डिवाइस नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द हब ओनली। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई लेस अमाउंट ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड। अब आप के पास कम डिवाइसेस होंगी, सिंगल सिंगल कनेक्शन होगा, तो केबल्स भी कम ही इस्तेमाल होंगी। यानी अगर 5 डिवाइसेस है, तो 5 केबल इस्तेमाल हो रही है, तो लेस अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, रोबस्ट, यानी कि रोबस्ट का क्या मतलब होता है कि ये फास्ट है। इफ वन लिंक फेल, अदर लिंक विल वर्क जस्ट फाइन। ठीक है, फास्ट है और ये एडेप्टिव है फेलियर के ऊपर। यानी कि क्या करेगा, ये एक अगर लिंक हमारे पास डाउन हो जाता है, तो दूसरा लिंक काम कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिस तरह था, अगर आपकी मेश टोपोलॉजी की बात करें, अगर इसमें से एक लिंक हम निकाल दें बीच में से, तो मेश टोपोलॉजी खत्म, टूट गई, क्योंकि तमाम डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अब आपका डेटा पैकेट कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। यानी एक कनेक्शन निकलने से आपका पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं है। स्टार टोपोलॉजी में क्या बात है, अगर हम यहाँ देखें, एक इसमें से मैं निकाल देता हूँ, तो ये डिवाइस डिसकनेक्ट नहीं होगी हमारी मेश टोपोलॉजी से, क्योंकि बाकी तो सारे लिंक्स उसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो जब इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये फॉर्मूला पूरा नहीं उतर रहा, तो ये मेश टोपोलॉजी भी नहीं कहलाएगी और साथ में डेटा ट्रांसफर भी नहीं होगा। जबकि स्टार टोपोलॉजी में चूंकि सिंगल सिंगल कनेक्शन है, अगर मैं एक, अब यहाँ पर तो 5 डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर मैं 4 डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा सीरियली, तो वो भी क्या होगा, एक स्टार टोपोलॉजी ही होगी। अगर मैं ये 6 डिवाइसेस कर दूँ, 10 कर दूँ, 20 कर दूँ, तो वो तब सब क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी ही होगी। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से एक ये वाला यहाँ से रिमूव कर दूँ डिवाइस को, तो क्या होगा, ये एक 4 डिवाइसेस के ऊपर मुश्तमिल एक स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लिंक रिमूव होने से सबके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, रोबस्ट, इफ वन लिंक फेल्स अदर लिंक विल वर्क जस्ट फाइन। ठीक है, इजी फॉल्ट डिटेक्शन, बिकॉज द लिंक कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। यानी कम लिंक्स हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कितने के ऊपर, किस किस के ऊपर डेटा हमारा जा रहा है, और किसके ऊपर डेटा पैकेट ड्रॉप हो रहा है या फिर फेल हो रहा है, तो आप फॉल्ट डिटेक्शन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई स्टार टोपोलॉजी? इफ हब गोज डाउन, एवरीथिंग गोज डाउन, नन ऑफ द डिवाइस कैन वर्क विदाउट हब। यानी अगर हब, जो कि बीच में मेन हब है या
राउटर है, अगर वो ही डाउन हो जाए, उसी का सर्वर डाउन हो जाए, तो क्या होगा? तमाम डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, किसी का भी, किसी को भी कोई डाटा पैकेट रिसीव ही नहीं होगा, सेंड ही नहीं होगा, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी का। सारे के सारे एक ही, सारी डिवाइसेस एक ही हब के ऊपर डिपेंडेंट है, एक से ज्यादा, क्योंकि हब नहीं है, ठीक है? हब रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड रेगुलर मेंटेनेंस बिकॉज इट इज सेंट्रल सिस्टम ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। अब जाहिर है क्योंकि ये एक ही हमारे पास है, इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्ट हो रही हैं हब के अंदर, तो इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसी के अंदर सारा डेटा का फ्लो आ रहा है, तो आपको इसकी देखभाल ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि ये फेल ना हो, ठीक है? ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई थिंक स्टार टोपोलॉजी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह वर्क करी, ये सारी आपको आनी चाहिए किसी से भी, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए या लैब टास्क में किसी में भी, कि भाई स्टार टोपोलॉजी डिज़ाइन करें, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरीके से क्रिएट हो रही है, ठीक है? मैश टोपोलॉजी कहें तो आपको पता होना चाहिए कि मैश टोपोलॉजी के क्या रूल्स हैं और क्या फॉर्मूला के ऊपर ये काम करती है, ठीक है? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस किस्म के सिस्टम, किस किस्म के नेटवर्क पे कौन सी टोपोलॉजी सूट करेगी, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं बस टोपोलॉजी पे, ये भी मोस्टली यूज हो रही होती है बहुत सारी जगहों पर। बस टोपोलॉजी का क्या काम होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर सीरियली एक के बाद एक सारी कनेक्टेड है, किससे? एक ही सिंगल लाइन से, सिंगल केबल से तमाम कनेक्टेड है, ये ड्रॉप लाइन कहलाती है, ठीक है? जो के आपके पास कनेक्ट हो रही है। अब वैसे तो अगर हम फिजिकली देखें तो हम इसको सीरियली कनेक्ट कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि इस पैटर्न में करें, बस सीरियली कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि तमाम जो डिवाइसेज है, एंड डिवाइसेज, वो सीरियली एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है और उसी के ऊपर तमाम का डेटा फ्लो कर रहा है, ठीक है? यानी यहाँ पर क्या चीज काम करेगी, अगर ये इस तरह केबल फ्लो हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसका डेटा पहले आएगा वो ही सबसे पहले आगे जा रहा होगा, ठीक है? अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, फायदे हैं, वो देख लेते हैं। इन बस टोपोलॉजी देयर इज अ मेन केबल, यानी एक ये मेन केबल होती है, ठीक है? एंड ऑल अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस मेन केबल थ्रू अ ड्रॉप लाइन, ये इसको हम एक ड्रॉप लाइन कहते हैं। इस ड्रॉप लाइन के थ्रू आपकी ये तमाम डिवाइसेस मेन केबल से कनेक्ट कर रही होती है। देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड टैप दैट कनेक्ट्स द ड्रॉप लाइन टू द मेन। अब एक टैप करके एक डिवाइस होती है, वो क्या करती है, आपके मेन केबल को ड्रॉप लाइन से कनेक्ट करती है। यहाँ पर एक, यहाँ पर शो नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पर एक टैप होता है, ठीक है? सिंस ऑल डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द मेन केबल, देयर इज अ लिमिट ऑफ ड्रॉप लाइंस इन द डिस्टेंस मेन केबल कैन हैव, ठीक है? अच्छा, एडवांटेजेस क्या है भाई इस टोपोलॉजी की, ये सबको दिख रही होगी मेरे ख्याल से। इस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस ये है कि भाई इजी इंस्टॉलेशन, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट कम वायर्स जो इस्तेमाल हो रही है, एक सिंगल नेटवर्क है, ठीक है? और आपके पास कोई हब या राउटर भी यूज नहीं हो रहा, तो क्या है भाई, इंस्टॉलेशन इजी होगी। ईच केबल नीड टू बी कनेक्टेड विद द बैकबोन केबल, यहाँ बैकबोन केबल किसको कहा जा रहा है, इस मेन केबल को, यानी कि हर ड्रॉप लाइन को एक बैकबोन यानी कि मेन केबल से कनेक्टेड कर देना है, तो आपका ये बस टोपोलॉजी तैयार हो जाएगी, डिजाइन हो जाएगी, ठीक है? लेस केबल्स रिक्वायर्ड देन मैश एंड स्टार टोपोलॉजी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप स्टार टोपोलॉजी को पीछे जाके देखें तो उसमें कितनी केबल्स इस्तेमाल हो रही थी, मैश के अंदर कितनी हो रही थी, जबकि यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है भाई इसके, डिफिकल्टी इन फॉल्ट डिटेक्शन। अब यहाँ पर फॉल्ट डिटेक्शन के अंदर थोड़ा सा मसला आएगा, क्योंकि आपको बैक, अगर बैक पर जाना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपने डेटा पैकेट सेंड किया, ठीक है? तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस हब के थ्रू, तो क्या होगा भाई, वो सबके ऊपर जाएगा, जिस जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो डिवाइस का मतलब फॉल्टी है, वो वाला नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, जबकि यहाँ पर आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ आपने यहाँ से डेटा पैकेट भेजा, वो आगे जाएगा और वापस आपका इनपुट से
रिस्पेक्टिव डिवाइस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉल्ट डिटेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको क्या करना है, एक के बाद एक के ऊपर ये जाकर चेक करें। नॉट स्केलेबल एज देर इज अ लिमिट ऑफ हाउ मेनी नोड्स यू कैन कनेक्ट विद द बैकबोन केबल। अब यहाँ पर ये जो बैकबोन केबल, जिसको मेन केबल कह रहे हैं, इसकी एक लिमिट है, ठीक है। उस लिमिट से ज्यादा आप उसके ऊपर ड्रॉप लाइन्स नहीं गिरा सकते, ठीक है। ये एक सिंपल टोपोलॉजी है, जब इसको हम डिजाइन करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ आ जाएगी ये किस तरह वर्क कर रही है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, क्या एडवांटेजेस हैं भाई? इजी इंस्टॉलेशन सबको साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पे कम वायर्स यूज हो रही हैं, तो इजी है इंस्टॉलेशन। ईच केबल नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द बैकबोन केबल, लेस केबल्स रिक्वायर्ड देन मैश एंड स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, ये हमने देख लिया एडवांटेजेस। इसके बाद आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। कितनी टोपोलॉजीज हैं भाई हमारे पास? फाइव है ना। मैश डिस्कस कर ली है हमने, स्टार किस तरह क्रिएट होती है, अगर आपसे कोई बोले कि स्टार टोपोलॉजी जरा क्रिएट करके दिखाओ, तो आप बता देंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। ये डिवाइसेस हैं और ये हमारे पास हब है या स्विच है, और ये स्टार टोपोलॉजी आपने क्रिएट करनी है, तो आप मेरे ख्याल से क्रिएट कर देंगे। आपको एक फिजिकल व्यू पता लग गया किस तरह क्रिएट होती है, ठीक है। अब रिंग टोपोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं, इसको आज हम जरा जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो जाहिर है आप लैब में है नहीं, मौजूद हो नहीं सकेगी, और लैब टास्क भी जो है वो आपको मैं लैब के अंदर ही दूंगा जब आप नेक्स्ट लैब में आएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब थोड़ी सी इसकी बस थ्योरी समझ लें, बाकी फिर हम लैब के अंदर ही इसको करेंगे, और इसकी मार्किंग भी आपकी नेक्स्ट लैब के अंदर ही हो जाएगी, ठीक है, आज नहीं करेंगे। रिंग टोपोलॉजी क्या कर रही है, लेकिन आप जब नेक्स्ट लैब में आएंगे तो आपको ये सारी टोपोलॉजीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ये किस तरह क्रिएट होती है, ये सारी मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो रिंग टोपोलॉजी सबको सामने दिख रहा है, एक रिंग क्रिएट हो रहा है, यानी तमाम डिवाइसेस के दरमियान एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड लिंक है। अगर हम इस डिवाइस की बात करें ए की, तो इसके एक फॉरवर्ड लिंक जा रहा है, एक बैकवर्ड। वो फॉरवर्ड लिंक दूसरी डिवाइस में जा रहा है, और वो उसके लिए बैकवर्ड लिंक है, और नेक्स्ट आगे एक फॉरवर्ड लिंक। तो ये तमाम डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये डिवाइस, ये अगर हम इसको बात करें तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन अगर हम डेटा पैकेट इधर से इधर भेजना चाहें, तो हम ये पहले एक ए से बी को, बी से सी को भेज देंगे। तो ये एक रिंक आपके पास क्रिएट कर रहा है। क्या लिखा है भाई? इन रिंग टोपोलॉजी ई डिवाइस इज कनेक्टेड विद टू डिवाइसेज ऑन आइदर साइड ऑफ इट। यानी आपकी हर डिवाइस के आइदर साइड, यानी कि दोनों साइड्स पर आगे और पीछे एक एक लिंक कनेक्टेड है। देयर आर टू डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक अ डिवाइस हैज विद द डिवाइस ऑन आइदर साइड। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इसका आगे भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, एक है, और पीछे भी, ये पीछे भी डेटा पैकेट सेंड कर सकती है, सही है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक इसके पास है। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ रिंग, दस इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि अब ये एक स्ट्रक्चर जब आपस में कनेक्टेड है रिंग के तौर पे, तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी कह रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें रिपीटर बूस्टर लगे होते हैं, रिंग टोपोलॉजी। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ रिंग, अच्छा ठीक है। इफ अ डिवाइस वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस, देन इट, ऐसा लग रहा है सिर्फ अश्वंदी जो है ना वो लेक्चर सुन रहा है। इफ अ डिवाइस वांट्स टू सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस, देन इट सेंड्स द डेटा टू वन डायरेक्शन। यानी कि ये क्या होगा, अगर आपने यहाँ से कोई डेटा पैकेट भेजना है यहाँ पर, तो आप एक ही डायरेक्शन में इसको भेजेंगे, इधर, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ से कोई डेटा पैकेट भेजा यहाँ जाने के लिए, ठीक है, तो जब तक ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ नहीं जा पा रहा, तो थोड़ी सी स्पीड, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है।
एडवांटेजेस क्या है भाई रिंग टोपोलॉजी के? इजी टू इंस्टॉल है, आप आसानी से एक से आगे कनेक्ट करते जाएं और एट द एंड स्टार्टिंग वाले के साथ कनेक्ट कर दें, तो आपके पास एक रिंग फॉर्म हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी क्रिएट हो जाएगी, इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है। मैनेजिंग इज इजियर एज टू ऐड और रिमूव अ डिवाइस फ्रॉम टोपोलॉजी, ओनली टू लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज। यानी आपने अगर इसको मैनेज करना आसान किस तरह है, अगर कोई डिवाइस ऐड करानी है इसमें, यानी ये पांच है कि इसकी जगह छह करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस के साथ दो लिंक्स और ऐड करने पड़ेंगे। अगर यहाँ मैंने कोई डिवाइस ऐड करानी है, मैं क्या करूँगा, इस लिंक को ब्रेक करूँगा, बीच में एक डिवाइस लगाऊंगा और उसके एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड लिंक लगा दूंगा, तो इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है, इजी टू मैनेज है। डिसएडवांटेज क्या है? अ लिंक फेलियर कैन फेल द इंटायर नेटवर्क एज द सिग्नल विल नॉट ट्रेवल फॉरवर्ड ड्यू टू फेलियर। यानी अगर इसमें से एक का भी लिंक ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, आपकी पूरी रिंग टोपोलॉजी मफलूज हो जाएगी, नहीं चलेगी, क्योंकि आपके पास एरर आ जाएगा किस चीज का, नेटवर्क फेलियर का, रिंग टोपोलॉजी चूंकि टूट जाएगी। उसका रिंग टोपोलॉजी का रूल क्या है कि ये तमाम डिवाइसेस आपस में एक से एक कनेक्ट होने चाहिए। अब एक का भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंक डिसकनेक्टेड होगा तो आपकी रिंग टूट जाएगी और डाटा सेंड नहीं होगा। डाटा ट्रैफिक इश्यूज सिंस ऑल द डाटा इज सर्कुलेटेड इन रिंग। अब एक ही रोड है, ठीक है, और उस पर सारा डाटा आना है, तो जाहिर है आपके पास क्या होगा, डाटा ट्रैफिक इशू। यानी ट्रैफिक का क्या मतलब है कि आपके पास ट्रैफिक जनरेट होगा, मल्टीपल डेटा आइटम्स जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो क्या होगा उसकी वजह से, क्योंकि लिंक कोई और नहीं है, यहाँ से मुझे इधर कोई चीज़ भेजनी है तो पूरा घूम के जाएगा, फिर एक और डेटा पैकेट भेज दिया, फिर यहाँ से एक रिलीज हो गया, फिर यहाँ से हुआ, तो मल्टीपल जो है वो डेटा पैकेट इस आपके पास क्यू में लगे हुए होंगे और एक के बाद एक आगे जाते रहेंगे, तो वो थोड़ा सा ट्रैफिक जनरेट हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, रिंग टोपोलॉजी की। अगर मैं यहाँ देखूँ आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर, तो यहाँ क्या है भाई, क्या मैं इस तरह से ये कुछ राउटर्स मैंने प्लेस किए, ठीक है, कोई भी डिवाइसेस प्लेस की, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या चीज हो गई, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं ये रिंग टोपोलॉजी है। तमाम आपके पास बिल्कुल एक रिंग क्रिएट हो रहा है, रिंग बन रहा है। अब जाहिर है रिंग राउंड जरूरी नहीं है कि राउंड हो, अभी ये पांच डिवाइसेस हैं तो राउंड हो रहा है। अगर आप, मैं यहाँ पर क्या करता भाई, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एक रिंग क्रिएट कर सकते हैं, सही है, इसमें चार की बजाय पांच, पांच की बजाय छह, जितनी भी हो, लेकिन आपस में वो
एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड लिंक से कनेक्टेड हो, कोई लिंक बीच में से ड्रॉप ना हो रहा हो, तो ये आपके पास क्या जाती है, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट आपके पास कौन सी कहलाती है, वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी अगर आप इनमें से दो टोपोलॉजीज को आपस में मिला दें, ठीक है, तो क्या बनती है, हाइब्रिड। यानी अगर आप एक रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को ज्वाइन कर दें, हाँ, कोई भी एक टोपोलॉजी एज अ वैक्यूम वर्क करी होगी, तो वो क्या क्या कहलाएगी, हाइब्रिड। अगर यहाँ देखें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड मैश टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड। लेकिन ये इसके अंदर काम करना इंतहाई मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके भी रूल्स हैं कुछ, इसके भी रूल्स हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी ज्यादा आपके पास बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वायर्ड कनेक्शन है, यहाँ पर भी वायर्ड कनेक्शन है, मल्टीपल पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। देख लेते हैं इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है भाई, वी कैन चूज द टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सा भी फवायद चाहिए हैं, उस फवायद के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने पास टोपोलॉजीज को उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमें स्केलेबिलिटी चाहिए, अगर हम स्केलेबिलिटी इज अवर कंसर्न, देन वी कैन यूज स्टार टोपोलॉजी इंस्टेड ऑफ बस टोपोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, वरना बस टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। जो भी फीचर आपको चाहिए उस हिसाब से, उसके जो एडवांटेजेस जिस टोपोलॉजी में लाए करते हैं, वो वाली आप उसमें इंटीग्रेट कर दें। स्केलेबल है, एज वी कैन फर्दर कनेक्ट अदर कंप्यूटर नेटवर्क विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क विद डिफरेंट टोपोलॉजी। स्केलेबल है, एक सिक के साथ दूसरी दूसरी के साथ, तो वो क्या है, आपके पास स्केलेबल है, यानी कि आपका नेटवर्क बड़ा हो सकता है। ठीक है, एक टोपोलॉजी पहले से डिजाइंड है किसी लैब के अंदर, सपोज स्टार टोपोलॉजी, और दूसरी में रिंग है, तो आप दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, स्केलेबल, यानी कि एक्सटेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी इसके अंदर एक इसका फायदा है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, फॉल्ट डिटेक्शन इज डिफिकल्ट। ये तो लाजमी समझ आ रहा है, अगर फॉल्ट आ जाती है, कोई लिंक ब्रेक है, तो वो आइडेंटिफाई करना कि कौन सा लिंक ब्रेक है, कहाँ पर आपके पास इशू आ रहा है, कहाँ डेटा पैकेट ड्रॉप हो रहा है, वो एक 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 के ऊपर जाकर फाइंड करना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट, लाजमी सी बात है, एक जगह पर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट टोपोलॉजी क्रिएट है, दूसरी जगह पर डिफरेंट है, उसको जब आप फिजिकल एनवायरनमेंट में क्रिएट करेंगे, तो आपके पास एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स, सो मेंटेनेंस इज हाई, दस एक्सपेंसिव। जाहिर है, क्योंकि जब इसकी मेंटेनेंस की जाएगी, तो वो हर इंसान नहीं कर सकेगा, वो एक टेक्निकल इंसान ही कर पाएगा, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई हो जाएगी। ठीक है, एक जगह स्टार है, एक जगह बस है, तो वो, लेकिन एडवांटेजेस भी अच्छे खासे हैं इसके, स्केलेबिलिटी आपके प्रोवाइड हो रही है, तो आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टोपोलॉजी को डिजाइन करते वक्त। ठीक है, तो ये आपके पास हमने कुछ टोपोलॉजी डिस्कस कर ली है, यही तमाम आपके पास यूज हो रही होगी आपकी तमाम लैब्स के अंदर। ठीक है, और इन्हीं को यूज करते हुए आप अपना नेटवर्क को डिजाइन कर रहे होंगे। बाकी जिसको ये चीज समझ नहीं आई हो, वो हम अपकमिंग लैब जो आएगी आपकी, उसके अंदर भी इसको दोबारा से थोड़ा बहुत इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और क्या है भाई, यहाँ पर अगर हम देखें जो अभी हमने डिस्कस की है टोपोलॉजीज, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेंशन से आपके देखने तो क्या लिखा है, जो कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस की बात हो रही है, यानी कि दो डिवाइसेस को अगर आपने आपस में कनेक्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, लैपटॉप से लैपटॉप कनेक्टेड है, लैपटॉप से पीसी कनेक्टेड है, स्विच से स्विच है, हब से हब है, सर्वर से सर्वर है, तो ये कौन सी टोपोलॉजी कहला रही होती है, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, किस तरीके से आपने कनेक्टिविटी डिफाइन करनी है। हम आ जाते हैं अगर यहाँ पर, उसमें
लेता हूँ जो पीसी ले लिए मैंने, तो सर्वर्स ले लिए, ठीक है, और क्या ले लें? स्विचेस ले लिए, ठीक है। अगर मुझे कनेक्शन करना है, मैं यहाँ पर कनेक्शन अगर मुझे इसका कनेक्शन करना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्या करूंगा? दो सेम डिवाइसेस हैं, इसका कनेक्शन किस तरह होगा भाई? कौन सी वायर से होगा? सर क्रॉस क्रॉस सर क्रॉस में यहाँ आपके पास नाम सबसे आ रहे होते हैं, नाम पर भी लिख लीजिए। यहाँ पर मल्टीपल है भाई, कॉन्सोल केबल है, ऑटोमेटिक फ्यूज कनेक्शन टाइप, कॉपर स्ट्रेट थ्रू क्रॉस ओवर, इसके अलावा फाइबर। तो हम जब सेम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो हम कौन सी यूज करते हैं? कॉपर क्रॉस ओवर, ठीक है। अब जैसे ही आप कॉपर क्रॉस ओवर को, एक सेकंड, क्या चैट में आया भाई? अच्छा, कॉपर क्रॉस ओवर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको एक प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। RS-232 USB पोर्ट आ रहा है, 0 USB 1, यानी इसके अंदर, इस पीसी में USB पोर्ट है दो हमारे पास, 0 और 1 के नाम से। एक फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, तो आप इसमें से आप किसके ऊपर कनेक्ट करेंगे भाई इसको? Internet 0। सर पास इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, बिल्कुल सही। तो फास्ट ईथरनेट आप इसको कनेक्ट करेंगे। अब हमने अच्छा, और यहाँ पर भी जब आप आएंगे तो फास्ट ईथरनेट के ऊपर ही आपने कनेक्ट करना है, क्योंकि आप ईथरनेट केबल डिफाइन कर रहे हैं, यूएसबी केबल तो नहीं कनेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरनेट कनेक्ट करना है आपने, तो फास्ट ईथरनेट। अब सबको याद होगा, अब ये देखें, दोनों के दरमियान ग्रीन साइन आ गया बना हुआ, फास्ट FA0, यानी कि फास्ट ईथरनेट का 0, ये भी FA0, ठीक है। अब हमने लास्ट लैब में डिस्कस किया था कि भाई ईथरनेट क्या होता है, फास्ट ईथरनेट क्या होता है, और गीगाबिट ईथरनेट क्या होता है, किसी को याद है क्या डिफरेंस है सब के अंदर? लास्ट लैब में डिस्कस किया था हमने। जी रिपीट कर दें क्वेश्चन। ये अगर हमने फास्ट ईथरनेट क्रिएट किया है, इसी तरह से कुछ डिवाइसेस के अंदर आपके पास गीगाबिट ईथरनेट का पोर्ट होता है, कुछ के अंदर भाई सिर्फ सादा ईथरनेट का पोर्ट होता है, तो इन तमाम के अंदर क्या डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस आता है? सादा ईथरनेट में और गीगाबिट ईथरनेट में क्या फर्क है? क्या सर वो स्पीड का डिफरेंस आ फर्क है? जाएगा। बिल्कुल, स्पीड का बिल्कुल फर्क है। अगर हम ने कल की लैब में डिस्कस किया था कि ईथरनेट आपको अप टू 10 Mbps प्रोवाइड करता है स्पीड, जबकि गीगाबिट ईथरनेट अप टू 1000 Mbps आपको प्रोवाइड करता है स्पीड, ठीक है। फास्ट ईथरनेट या फिर गीगाबिट ईथरनेट हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह आप कनेक्ट कर दें भैया फास्ट ईथरनेट से, फास्ट ईथरनेट, ठीक है। ये एंड डिवाइस टू एंड डिवाइस, इंटरमीडिएट डिवाइस टू इंटरमीडिएट डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ देखें, आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स आ रही हैं, फास्ट ईथरनेट 0, फास्ट, क्योंकि ये एक स्विच है, तो स्विच के अंदर क्या होता है, एक मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। तो आप ने यहाँ फास्ट ईथरनेट 0 1 किया, तो यहाँ पर भी
फास्ट ईथरनेट 0.1 से ही कनेक्ट करना है। अब ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। यही चीज आपको डिजाइन करके बताई हुई आपके मैनुअल के अंदर, अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, ये एक टोपोलॉजी क्रिएटेड हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, रेफर टू फिगर 1, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करें भाई और एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएट डिवाइसेस, ये इसका पहली एग्जांपल गिवन है कनेक्टिविटी की। और कनेक्ट दीज डिवाइसेस विद प्रॉपर क्रॉस ओवर केबल, ठीक है, क्योंकि ये तमाम सेम डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं। After establishing the connectivity, all devices must be showing green signal. ठीक है भाई, इसके अलावा यहाँ पर क्या कर रहे होंगे हम, अगर आप यहाँ पर इस पे क्लिक करें आप देखेंगे कि क्या है आपके पास, इसका फिजिकल व्यू आ गया आपके पास इस डिवाइस का, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसको भी क्लिक करेंगे तो इसका भी फिजिकल व्यू आपके पास आ सकता है। इसको हम जूम आउट करते हैं, ठीक है। एक पीसी सी तरह का होता है ना भाई, ठीक है, इसमें ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट गिवन होती है। इसके अगर हम डेस्कटॉप वर्जन पे जाएं तो ये इस पीसी का डेस्कटॉप आपके पास ओपन हो गया, सही है। जैसे आपके पीसी का डेस्कटॉप आपके पास ओपन है, ये डेस्कटॉप है ना, तो इस तरह से ये आपको प्रोवाइड करता है, इस पीसी का डेस्कटॉप आ जाएगा। अब आपने अगर क्या करना है, इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी, यानी कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ से इससे इधर डेटा ट्रांसफर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन की आपके पास एक पूरी एक लैब है, किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आईपी की, वो हम उस लैब के अंदर आराम से देखेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक आप ओवरव्यू देख लें। अगर मैं इस डिवाइस के ऊपर लेके जाता हूँ अपना कर्सर, तो आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं भाई, अगर आप राइट मोस्ट देखें तो आपके पास मैक एड्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास IPv6 आईपी एड्रेस नॉट सेट आ रहा है, ठीक है, यानी फास्ट इथरनेट का जो पोर्ट है वो अप है, यानी कि ओपन है, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं डला हुआ कोई, यानी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ, सेम एज हियर, ठीक है। यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पर आईपी एड्रेस नॉट सेट आ रहा है। अब आपने अगर दोनों के दरमियान डेटा पैकेट सेंड करना है, यहाँ पर आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसकी आईपी डिफाइन किस तरह करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, तो इस तरह की विंडो आपके पास एक ओपन हो जाएगी। तमाम डिवाइसेस को इस तरह आपने आईपी कॉन्फ़िगर करनी होती है। किस तरह करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे आईपी एड्रेस के अंदर, जो इसका एक सिंपल पैटर्न है, 192.168.1.1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सबनेट मास्क क्रिएट हो जाएगा। ये सबनेट मास्क क्या होता है, ये बेसिकली आपको इसकी इनपुट और आउटपुट की वो फ्रीक्वेंसी बताता है कि किस तरह हो रही है। फिर इसको हम जो है नेक्स्ट लैब जो आएगी आपकी, सबनेट मास्क किस तरह क्रिएट होता है और क्या चीज वो कर रहा होता है, वो वहाँ पर देख लेंगे। अभी सिर्फ आप इसको देखें कि बस होगा ये कि सब डिवाइसेस का एक सबनेट मास्क डिफरेंट क्रिएट होगा। जैसे ही आप आईपी डालेंगे ना और एंटर प्रेस करेंगे तो एक सबनेट मास्क क्रिएट हो जाएगा। क्या होता है वो हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे और आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस के नीचे आपकी आईपी आ रही होगी, है ना। फास्ट ईथरनेट 0 के ऊपर अप लिंक है और एक आईपी आ रही है 192.168.1.1। इसी तरह आप दूसरे की जिसके आपने डाटा सेंड करना है उसकी भी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ लिखेंगे क्या, पहले वाले की आप चूंकि 1 दे चुके हैं आखिर में 192.168.1.1, तो इस वाले के अंदर आप क्या दे देंगे, डॉट वन डॉट
ठीक है, ताकि ये सीरीज आगे चलती रहे। जैसे इसको एंटरप्राइज करेंगे तो यहाँ सब नेट मास्क क्रिएट हो जाएगा और यहाँ आप इसको क्लोज कर दें। अब ये डिवाइसेज आपस में क्या है, फुली कनेक्टेड है, ठीक है। इसके ऊपर भी आप जाएंगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, इसका आईपी एड्रेस आ रहा होगा मौजूद। अब अगर आपने चेक करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डेटा पैकेट सेंड हो गया है या नहीं, आप किस तरह करेंगे भाई? ये आपके पास एक ये जो मैसेज बॉक्स बना हुआ है ये क्या है, इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो एड सिंपल पीडीयू, ठीक है। पीडीयू क्या होता है भाई? पैकेट डेटाग्राम यूनिट, ठीक है। इसको आप यहां से क्लिक करेंगे और यहां पर ले जाके छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहां से क्लिक किया और यहां पर लाके इसको प्रेस किया तो ये डेटा पैकेट यहां से जाएगा और कहां जाना चाहिए, सामने वाले पीसी पे। तो मैं यहां पर भी एक क्लिक कर दूंगा, अब ये आपके पास दिख रहा है ये डेटा पैकेट जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। ठीक है, अगर ये यहाँ से रिमूव हो गया इसका मतलब कि ये डेटा पैकेट क्या हो गया भाई, चला गया यहाँ पर। ये देखें यहाँ अगर आप जाएंगे, ये आपके राइट हैंड पर एक बॉटम राइट पर एक विंडो आ रही होगी, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, सक्सेसफुल। लास्ट स्टेटस क्या है भाई, जो आपने पैकेट फायर किया था उसका सक्सेसफुल था। सोर्स क्या थी, पीसी जीरो। अब ये देखो इसका नाम क्या है, पीसी जीरो। हाँ, डेस्टिनेशन क्या थी, पीसी वन। ये क्या है, पीसी वन। टाइप क्या थी भाई, आईसीएमपी। कलर क्या था, ब्लू। टाइम सेकंड 0.000 सेकंड। तो उसके अंदर आपका डाटा पैकेट यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड हो गया। तो बस ये एक पैटर्न आपको बताने का, आप क्योंकि स्टार्टिंग की लैब्स हैं, इतना इन डिटेल हम अभी नहीं जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ बताने का ये मकसद था कि किस तरह से आप सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, किस तरह डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, किस तरह एक टोपोलॉजी को डिजाइन करते हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं हमारे पास। मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, और कौन सी रिंग है, और हाइब्रिड है, ठीक है। तो टोपोलॉजीज क्या होती है, डिवाइसेस कनेक्ट किस तरह किया जाता है, और डेटा पैकेट्स किस तरह ट्रांसफर होते हैं, आईपी किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इन डिटेल भी आगे जाकर हम देखेंगे किस तरह आईपीज आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। और वापस आ जाते हैं, कनेक्टिविटी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यही काम अभी हमने कर लिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं, एक मिनट रह गया, जरा इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लें तो फिर हम अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सारे रिज्वाइन कर लें, आवाज आ रही है ना सबको? जी सर। लाजमी रिज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी ये लास्ट सेशन के अंदर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी जो जो आया है।